हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा जोगिंदर देव आईटीआई तारामंडल। मैं आज आप लोगों को थ्योरी क्लासेस कुछ हैं जो बचे हुए हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन, उसमें से कुछ स्विच सर्किट ब्रेकर बचे हुए थे उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपके 83 MCQ क्वेश्चन हैं जो इसी लेक्चर में पूरा समराइज किया गया है। तो ठीक है, हम आगे आप लोग अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर करो और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी बच्चों के पास पहुँच सके। ठीक है, तो अभी बताता नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। तो सर्किट ब्रेकर में हम बेसिकली पढ़ रहे थे कि सर्किट ब्रेकर में कौन कौन सा कौन सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एसी सर्किट ब्रेकर और एक होता है हमारा डीसी सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो डीसी सर्किट ब्रेकर में एक होता है हाई वोल्टेज जो एचवी डीसी सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है हाई वोल्टेज डीसी सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद एक एसी सर्किट ब्रेकर में हाई वोल्टेज होता है और एक होता है हमारा लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। अब इन्हीं सर्किट ब्रेकर्स के अनेक अनेक पार्ट्स हैं, एक होता है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक, और एक होता है हमारा ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर जिसमें मतलब ऑयल नहीं होता है। ठीक है, ऑयल ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर कहलाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें ऑयल होता है, एक होता है लो ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसमें बहुत ही ऑयल होता है लेकिन कम सर्किट कम उसमें ऑयल होता है। अगला है आपका ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर। ऑयल लेस सर्किट ब्रेकर बेसिकली हमारा चार प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और एक होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और एक होता है बेसिकली SF6 सर्किट ब्रेकर और एक हमारा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इन सभी के बारे में हम ब्रीफ आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में 15-20 मिनट जाएगा, उसके बाद आपको तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर के की उत्थी से सर्किट ब्रेकर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में इट्स इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंट्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में मतलब बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जैसे कि बिल्डिंग होता है, ऑफिस होता है, घर होता है, स्कूल होता है, इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे अगर वोल्टेज और करंट का मान अगर सही मेजर में ना हो, एक समान ना हो, जितनी जितनी आवश्यकता हो उतना ना हो, उस कंडीशन में अगर करंट का मान बढ़ जाता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि आग लग सकती है। ठीक है, और उस आग लग सकती है, चाहे कुछ भी डैमेज हो सकता है किसी प्रकार से इसे, और हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉल्ट कर सकता है, फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही फॉल्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा अब कह रहा है कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, बेसिकली सर्किट ब्रेकर होता क्या है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर स्विचिंग डिवाइस दैट कैन बी ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली और मैनुअली फॉर प्रोटेक्टिंग द कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इट मीन्स इसके पूरे कहने का मतलब है कि सर्किट ब्रेकर वह डिवाइस है, वह उपयंत्र है जो कि स्वचालित और मतलब मानव और अर्ध मानव यानी कि जिसमें मानव की भी आवश्यकता पड़ती है और आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है, ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को क्या करता है, सेफ रखता है। ठीक है, बेसिकली पावर सिस्टम इन द मॉडर्न पावर सिस्टम द डिज़ाइन ऑफ सर्किट ब्रेकर हैज चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन द यानी बेसिकली कुल मिला इतना समझो कि आप वो करंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर करंट का मान बढ़ता है यानी सबसे पहले करंट का मान बढ़ता है क्यों, जैसे आपको पता है कि फॉल्ट आता है किसी सर्किट में तो करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। सर्किट ब्रेकर हमेशा हमेशा क्या करता है हमारा फॉल्ट की कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। ठीक है, या फिर ह्यूज करंट आप ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर जाती है उस अवस्था में क्या करता है हमारी सर्किट ब्रेकर ऑन होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मैंने रिले के पहले भी बारे में बताया, इस वाले के बारे में तो आप पहले से जानते हो कि बैटरी लगा होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगला आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर में, जैसे इसमें कि कई सर्किट ब्रेकर है हमारे, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है और ऑयल सर्किट ब्रेकर है और एयर सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, तो इन सभी सर्किट ब्रेकर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर बेसिकली होता क्या, के बारे में कहता है यह बेसिकली एयर में ऑपरेट होता है यानी कि क्विंचिंग मीडियम जिसकी आग होती है, जो आग लगती है दो कॉन्टैक्ट के बीच में आग लगती है, इसमें जो आग लग ये आग समित होती है बेसिकली, इसको क्या करता है इसको इसे यहीं पर समाप्त कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे इस ACB को हम क्या करें इसमें बदल दें, ऑयल सर्किट ब्रेकर में बदल दिए, लेकिन ये बेसिकली इसका उपयोग हम क्या करते हैं 15 KV तक यूज कर सकते हैं। कहाँ तक यूज करते हैं इसका 15 KV तक, इस डाटा को याद रखिएगा आप लोग, ये 15 KV तक यूज किया सकता है। ठीक है, ओके, अब अगला है हमारा कि प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर कहलाता है। क्या प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर कहलाता है, आप इस फिगर के माध्यम से समझिए सबसे पहले कि आर क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये आर्क रनर है। ठीक है, और ये हमारा आर्क है, आगे यहाँ पे समित होती है और ये कॉन्टैक्ट इससे टच करता है, क्या करता है ये हमारा, ये कॉन्टैक्ट हमारा क्या करता है
सेकेंड, हाँ ये कॉन्टैक्ट क्या उससे टच होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है मेन कॉन्टैक्ट होता है, इस दोनों आपस में टच करते हैं, ये क्या करते हैं दोनों आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, इस अवस्था में ये हमारा आर्क रनर होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर सिस्टम वोल्टेज 245 kV to 420 kV, आल्सो इवन मोर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर टू टाइप्स, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, अगला होता है हमारा एक्सियल ब्लास्ट शील्डिंग मोल्डिंग टाइप सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में है, देखिए यहाँ पे आर्किंग चैम्बर के में एयर एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में बताया गया है कि ये आर्किंग चैम्बर होता है, इसमें आपको होता है एयर रिजर्वायर होता है, जो एयर पे क्या करते हैं एयर का, एयर रिजर्वायर बेसिकली क्या होता है इकट्ठा करना किसी चीज़ के, जैसे मैं वाटर में बता रहा था कि एयर रिजर्वायर होता है जहाँ पे पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ही एयर की एक वैल्यू होती है, एयर रखा जाता है बेसिकली, फैन बेसिकली क्या होता है इसको झोंक के माध्यम से भेजा जाता है, और ये हमारा क्या होता है नॉर्मल एयर क्लियरेंस भी जो यहाँ इसकी आती है, और यहाँ मूविंग कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पे, जैसे ही आर्क समित होती है, आर्क जैसे ही लगती है एयर के थ्रू क्या करता है इसको बुझा देता है, और आग बुझा देता है और हमारा सर्किट चालू हो जाता है या बंद हो जाता है। आप भी जानो कि जब हमारा सर्किट कोई चालू होता है उस कंडीशन में क्या होता है सबसे अधिक आर्क समित होती है, ठीक है, जब सर्किट हमारा बंद किया जाता है मतलब खोला जाता है उस अवस्था में आर्क कम समित होती है, लेकिन जब किसी दो कॉन्टैक्ट को जोड़ा जाता है उस अवस्था में क्या होता है हमारा, यानी कि जब सिस्टम को चालू किया जाता है, यानी कि किसी सिस्टम में सप्लाई दी जाती है उस अवस्था में क्या होता है आर्क सबसे ज़्यादा समित होता है, यानी कि आर्क सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, पहला है कि इट इज़ यूज्ड वेयर फ्रीक्वेंसली ऑपरेशन, ये इसका मतलब उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अधिक मात्रा में उपयोग करना होता है, ठीक है। पहला है कि इट इज़ रिस्क फ्री फॉर्म, या रिस्क से क्या होता है फ्री होता है, इसका स्मॉल साइज क्या होता है छोटा होता है, ये इसमें मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका जो आर्क क्वेंचिंग होता है, आर्क क्वेंचिंग मतलब क्या होता है आर्क को समित करने की वजह क्या कहलाती है क्वेंचिंग कहलाती है, इसका स्पीड क्या होता है ज़्यादा तेजी होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ आर्क इज सेम फॉर एयर ब्रिज, जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है बेसिकली आर्क का वो क्या होता है सेम जैसा ही होता है, ठीक है। और इसका डिसवांटेज भी कुछ हैं हमारे, यानी कि हानियाँ भी कुछ हैं, कह रहा है कि इट्स रिक्वायर एडिशनल मेंटेनेंस, यानी कि इसमें एडिशनल मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अलग से मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगला कह रहा है कि द एयर हैज़ रिलेटिव लोअर आर्क एक्सटिंग्विशन प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है लोअर एक्सटिंग्विशन प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है।